व्यापारी को बंधक बनाकर अवैध वसूली करने के आरोप में आगरा में फाउंड्री नगर चौकी के इंचार्ज नीलकमल चौधरी और दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। गौरतलब है कि हाथरस के बिसाबर कस्बे में रहने वाले दो व्यापारियों ने जेवरात और नगदी के लिए तीनों पुलिस कर्मियों पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों को निलंबित कर जाँच के आदेश दिए हैं। ये एक आज हम और डीएम साहब दोनों यहाँ एतमादौला थाना क्षेत्र में थाने में आए थे। आज यहाँ पर थाना समाधान दिवस था, उसी दौरान एक हाथरस के बिसावर गांव के और सादाबाद थाने के व्यक्ति आए और उनके द्वारा बताया गया कि वो चांदी के घुंघरू बनाने का काम करते हैं और यहाँ पर यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं, घुंघरू बनाने के बाद वापस करते हैं। दिनांक 7 तारीख को वो यहाँ पर आए थे और थाना फाउंड्री नगर चौकी के कुछ कर्मचारी उन्हें चौकी पर ले गए थे और उसके बाद उनके द्वारा उनसे पैसे लेकर उन्हें देर रात्रि में छोड़ा गया। मेरे द्वारा तत्काल उसका संज्ञान लिया गया। इनके बयान मेरे स्वयं के द्वारा दर्ज किए गए हैं।